जय श्री राम। दोस्तों, आज से रोज 9 दिनों तक मैं आप सभी के लिए हर दिन का एक नया उपाय तथा हर दिन की पूर्ण पूजा विधि आप सभी के लिए लेकर आऊंगी और वो खास उपाय आप सभी को बताऊंगी जिसके करने मात्र से आपके 9 दिन के अंदर ही हर प्रकार के संकट पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी आज माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय भोग, प्रिय रंग और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में। आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि तथा खास उपाय के बारे में मैं बात करूंगी। आज से नवरात्रि के 9 दिनों तक हर रोज आपको एक नया उपाय देखने को मिलेगा। तो आज से आप सभी नवरात्रि में रोज सुबह 6 बजे मेरा वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। हर दिन के खास उपाय आप सभी अवश्य करें। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। यही कारण है कि इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरे मन से करता है तो उसे सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे तो माँ दुर्गा के सभी रूपों की हर दिन पान, सुपारी, लौंग अर्पित करके ही पूजा करनी चाहिए। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी को आज के दिन दूध से बने व्यंजनों का भोग अगर आप लगाते हैं तो ये अति उत्तम होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध से बने व्यंजन अति प्रिय हैं। भोग में आप शक्कर, मिश्री या पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग पीला होता है तो आप सभी इस दिन पीले रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें। माँ ब्रह्मचारिणी के विशेष पूजन मंत्र की अब मैं बात करूंगी। इस मंत्र को आप कहीं लिख लें या फिर याद भी कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। एक बार फिर से सुनते हैं, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र का अगर आप 5 बार भी जाप करते हैं या फिर 11 बार भी जाप करते हैं तो ये आपके पूरे जीवन के सभी प्रकार के कष्टों को हर लेगा, दुखों को दूर कर देगा। अब हम बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी प्रार्थना मंत्र, ध्यान से सुनिएगा। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिणीनु अनुत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी स्तुति मंत्र को भी आप सभी ध्यान से सुने। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के सभी दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी चाहिए। तो हमें इस बात को हमेशा मन में धारण करके ही नवरात्रा में व्रत रखना चाहिए कि हम हर दिन पूजा विधि के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही उठेंगे। पूजा करने से पहले साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और आज के दिन आप पीले या सफेद रंग के वस्त्र जरूर पहनें। यानी कि इस दिन आप सभी को पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला है, इसलिए इन्हें ब्रह्मा के रूप से भी जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का ये रूप अपने भक्तों को भक्ति में लीन रहना सिखाता है और इस रूप में माँ अपने भक्तों को अपने कर्तव्य के प्रति लगन और निष्ठा प्रदान करती है। जिस तरह माता ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त नहीं कर लिया था तब तक वे तपस्या करती रहती थी, इसी प्रकार मनुष्य भी जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले उसे भी निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में।
पूजा करने के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन स्नान करने के बाद मंदिर में गंगा जल से छिड़काव यानी कि पवित्र अवश्य कर लें। इसके बाद एक आसन पर बैठकर पूजा प्रारंभ करें। गाय के घी या फिर तिल के तेल का दिया ही आप जरूर जलाएं। साथ ही साथ धूप दीप जलाकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके माता को फल फूल अर्पित करें। हाथ में जल पुष्प या अक्षत लेकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का या फिर व्रत करने का संकल्प करें। और इसके बाद में मैं आप सभी को जो मंत्र मैंने आपको बताया था उसे आप अवश्य बोलें। उन मंत्रों का जाप करना आपके लिए बेहद आवश्यक है, यानी कि अगर आप उन मंत्रों का जाप पूर्ण मन और विश्वास से करते हैं तो आपके सभी प्रकार के संकट टल जाएंगे। मंत्रों के जाप के पश्चात श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय आप जरूर पाठ का श्रवण करें। श्रवण नहीं कर पाए तो आप उन्हें जरूर पढ़ लें। माँ भगवती की आरती करने से पहले मिट्टी के किसी एक बड़े बर्तन में या फिर दीपक को आप ले लें और दीपक में आप गाय के गोबर के उपले उसमें जला लें। उस पर दो बताशे और दो लौंग को लेकर फिर उसे घी में डुबोकर जलते हुए उपलों में उसे रख दें। चाहे तो आप उसमें कपूर जलाकर भी रख सकते हैं। ऐसा कर लेने से घर में चल रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है और सभी परिवार जनों का कल्याण होता है। साथ ही नवरात्रि के दिनों में घर के मुख्य द्वार पर सुबह शाम एक जोड़ी दीपक जरूर जला देना चाहिए। ध्यान रहे कि दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। मांसाहार का सेवन इस 9 दिनों में बिल्कुल ही वर्जित है, यानी कि आप किसी भी प्रकार के मांसाहार लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इतना ध्यान रहे कि नवरात्रि के दिनों में श्रृंगार की कोई भी वस्तु घर से बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से गौर कीजिएगा कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप श्रृंगार की कोई भी सूखी वस्तु टूटी वस्तु भी अपने घर से बाहर की ओर ना फेंकें, भले ही वो कितने ही पुरानी क्यों ना हो। इन दिनों में आपको फेंकना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार चढ़ाया जाता है और श्रृंगार की वस्तुएं फेंकने से माँ दुर्गा का स्वरूप अपमानित होता है। इस बात पर आप बहुत ही ध्यान रखिएगा। ये उपाय भी आपको अवश्य रूप से कर लेना चाहिए कि जब भी आप इस पूजा विधि को करें पूरे मन से करें और साथ ही साथ माँ ब्रह्मचारिणी को पान अवश्य चढ़ाएं। इस बात का आप खास रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की पूर्ण रूप से पूजा विधि, उनके लिए एक उपाय ताकि आपके पूरे जीवन के सभी कष्टों को माँ दुर्गा हर लें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा मार्गदर्शन पसंद आ रहा है तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएगा दोस्तों, ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आप तक आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय।